हेलो बच्चों, एंगल्स यानी कि कोण के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। आज हम जानेंगे पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोण युग्म के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोण युग्म, युग्म यानी जोड़ा, यानी दो एंगल्स जो दो कोण होते हैं उनका जोड़ा कितने प्रकार का होता है, उनके क्या क्या नाम हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो जोड़ा है, पहला जो कोण युग्म है वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को आप हिंदी में कह सकते हैं आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न यानी एक दूसरे से लगे हुए। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ दो कोण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें एक जो है ये कॉमन वर्टेक्स है O, और एक कॉमन साइड होती है, एक जो उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो यहाँ आपके दो कोण बन रहे हैं, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी। तो ये तो जो कोण हैं ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण, ठीक है। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण। दूसरे प्रकार का जो कोण है वो आपका है लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। तो ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि दो जो इसकी किरणें हैं वो विपरीत दिशा में होती हैं, और इन दोनों का योग जो होता है वो दो समकोण यानी कि 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि हम सीधी भाषा में यह कह सकते हैं कि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल या ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है वो रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो चित्र में आपके दो एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल आर ओ क्यू। तो पी ओ क्यू ये एंगल हो गया और आर ओ क्यू ये एंगल हो गया। ये दोनों एंगल मिल करके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो रैखिक युग्म क्या हुआ, ऐसे दो कोण जो एडजेसेंट भी हों और जिनके कोणों का योगफल क्या हो, 180 अंश, और जिनमें दो किरणें अब विपरीत दिशा में भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। तीसरे प्रकार का जो कोण है, जो कोण युग्म है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो आप देख पा रहे हैं चित्र में कि जब कोई भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो आपके चार कोण बनते हैं, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है 1, 2, 3 एंड 4। तो एक कोण ये बना, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इसमें ऐसे दो कोण जिनमें कोई भी भुजा या कोई भी रेखा उभयनिष्ठ ना हो, ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल 1 और 3 इनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं, कॉमन नहीं है, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ये चारों भुजाएं अलग हैं। तो इन दो भुजाओं से एक ही अंत बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी और डी ओ सी क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से दूसरा जो पेयर बन रहा है वो एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी का बन रहा है। तो एंगल ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों भी क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरीके से जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो दो शीर्षाभिमुख कोण के दो पेयर यानी कि दो जोड़े बनते हैं, एक आपका कोण 1 और 3 हो गया, दूसरा कोण 2 और 4। यानी 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हैं और 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इस तरीके से ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है इसे हम हिंदी में कोटिपूरक कोण भी कहते हैं। तो आइए देखें, चौथा जो कोण युग्म है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ऐसे दो कोण जो संलग्न या आसन्न हो या ना हो, लेकिन उनका योगफल 90 अंश हो जाए, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री और एंगल पी क्यू आर 30 डिग्री। तो जब हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर क्या मिलेगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दो जो कोण आपके हैं ए ओ बी और पी क्यू आर, ये क्या है, कोटिपूरक कोण। यानी कि ऐसा कोई भी दो कोण जिनका योगफल 90 अंश आता है वे कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होते हैं। यानी एंगल ए ओ बी जो है एंगल पी क्यू आर का कोटिपूरक है और एंगल पी क्यू आर जो है एंगल ए ओ बी का कोटिपूरक है। ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं।
तो इसी प्रकार अगला जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण, यानी कि ऐसे कोण जिन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश यानी कि सरल कोण ऋजु कोण के बराबर होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं एंगल ए ओ बी और एंगल पी क्यू आर, एक आपका 60 डिग्री है और दूसरा क्या है 120 डिग्री। तो जब इनका योगफल हम ज्ञात करेंगे तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 प्लस 120 यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे दो कोण या ऐसे दो कोण युग्म जिनका योगफल 180 अंश आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण। तो चित्र में एंगल ए ओ बी जो है एंगल पी क्यू आर का कोटिपूरक या समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, और एंगल पी क्यू आर एंगल ए ओ बी का समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये आपके पेयर ऑफ एंगल्स हुए, इन्हें आप कंठस्थ कर लें और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें।